फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ एक डिश जो है वो शेयर करने जा रही हूँ, जिसका नाम है मिनी बाइट्स। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, घर पे आप मेहमानों को बना के खिला सकते हैं बहुत ही जल्द, और बहुत थोड़ी सी इंग्रेडिएंट इसके अंदर यूज़ होते हैं। आपको प्री हीट करना होगा अपने डिक्चे वगैरह को, और विदाउट ओवन ये रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इंग्रेडिएंट आप देख लीजिए, ये शिमला मिर्च है और प्याज है, बहुत छोटे छोटे से वाले मैंने लिए थे, बारीक बारीक मैंने उसको बना लिया। इसके बाद आपको जो चीज़ स्लाइस ले लेंगे, वैसे कोई सी भी आप चीज़ ले लीजिए, बटर ले लीजिए। ये थोड़े से इंग्रेडिएंट है जिसके अंदर मैंने लिया है नमक, ऑरिगेनो, काली मिर्च, गार्लिक पाउडर। उसके अलावा आपने इस तरह से शेप में इसको कट करके रखना है ब्रेड को। थोड़ा सा चिकन लेना है, चिकन को हम फ्राई करेंगे। थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट हमने डालना है इसके अंदर, उसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। और जस्ट एंड जस्ट आपने नमक ना डालें, चाहे काली मिर्च भी ना डालें। और इसके अंदर आपने जस्ट चिकन टिक्का मसाला जो मिलता है वो आपने डालना है, और दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। थोड़ा सा आप इसके साथ भी इसको फ्राई कीजिए, थोड़ा सा पानी डालिए ताकि चिकन के अंदर इसका जो रस है वो अच्छे तरीके से जो ना वो एब्जॉर्ब कर लीजिए। उसके बाद अगला मरहला आता है कि आपने इसकी जो डिश की जो मेन इंग्रेडिएंट है वो आपने इस तरह से इसका पेस्ट बनाना है। जैसे आपने सबसे पहले तो बटर लेना है, बटर मैंने 2 टाइम लिया था, ये जितना मैंने लिया है। उसके बाद इसके अंदर आपने जितनी भी आपके पास सब्जी वगैरह है, चिकन आपने फ्राई किया है, और सारी चीज़ें जो है वो आपने एक ही दम से सारी की सारी डाल देनी है, और बहुत अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप चाहें तो इसको, ये जो बैटर है आप ये बना के अपने फ्रिज में भी रख सकते हैं 2 से 3 दिन के लिए, कोई मसला नहीं होगा इसके अंदर। ये वही मसाले हैं जो मैंने आपको दिखाए थे पहले, तो ये सारे इसके अंदर। नमक आपका थोड़ा सा जो है वो ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि बटर के अंदर ऑलरेडी भी नमक होता है, तो आप नमक थोड़ा सा कम डालिए, ठीक है। अजीनोमोटो तो डालना चाहें तो एज़ पर योर टेस्ट, इफ़ यू वॉन्ट टू एड इट तो आप कर सकते हैं। आपने इसको अच्छे से पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद एक चीज़ आपने जब इसका लेना है, जो डिश ले रहे हैं उसको आपने बहुत अच्छे से ग्रीस करना है, ठीक है। ग्रीस करने के बाद आपने उसके ऊपर जो है वो इसको, ये जब जो मिनी बाइट्स हैं इसको हमने रखना है। उससे पहले मैं आपको एक थोड़ी सी चीज़ बता देती हूँ, अच्छा वो मैंने तो नहीं खैर ऐड किया, लेकिन जब आप अपने ये जो ब्रेड के पीसेस हैं इसको ऊपर जब आप पेस्टिंग करने लगे, तो पहले आपने एक लेयर, चाहे तो आपके पास पिज़्ज़ा सॉस अगर पड़ी हुई हो वेल एंड गुड वो लगा दीजिए, नहीं तो टोमेटो केचप जो है वो आप एक दफ़ा अप्लाई कीजिए उसके ऊपर। उसके बाद जो बैटर है आपका वो आप फिर उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। इस तरीके से जो है वो थोड़े से जूसी भी बनेंगे। और जो इसका टाइमर है वो मैं आपको आगे बता देती हूँ कि कितना टाइम। आपने देगचा जो है वो प्री हीट कर लेना है। प्री हीट करने के लिए आपको पता है कि आपने उसको ढक देना है, और मेरे पास क्योंकि स्लैब थी छोटी सी उसकी मार्बल की, वो मैंने रख दी थी और उसको मैंने बंद कर दिया 30 to 40 minutes के लिए, मैंने उसको प्री हीट कर लिया था। डिफरेंट तरीके से बनते, मैं और भी तरीके से आपको इंशाल्लाह ताला पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगी इसके अंदर ही। तो इसको इस तरह से जो मैं आपको बता रही थी कि पहले नीचे एक लेयर जो है चाहे तो केचप की लगा दीजिए या गार्लिक सॉस की लगा दीजिए, उसके बाद फिर ये वाला पेस्ट आप इसके ऊपर अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर आपने चीज़ स्लाइस रखने हैं, या जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल हो वो आप रखिए। और रखने के बाद आपने अपनी ट्रे के अंदर इनको ऑलरेडी जो मैंने ग्रीस कर चुकी हुई हूँ, ठीक है, किनारों पे भी लगाया करें, किनारों पे भी लगाना है और अपने डिश के ऊपर तो लगाना ही है। अच्छे से ग्रीस करने के बाद आपने इसको प्लेस कर देना है। अच्छा, अब इसकी एक बात आप देखें, जब आप रखते हैं तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं रहती है, लेकिन जब ये जाके उसके अंदर पकते हैं तो ये थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं। आगे आप जो क्लिप है वो देखिएगा कि पहले तो ये पूरा नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही ये बन गया थोड़ा सा ये श्रिंक हो जाता है। तो इस तरीके से जो है वो आप, मैंने प्री हीट किया हुआ देखिए के अंदर मैंने इस डिश को रख दिया। डिश को अंदर रखने के बाद आप जो है वो ऑलमोस्ट 10 मिनट्स के लिए इनको इसके अंदर लगाएं, क्योंकि ऑलरेडी वो हीट अप हुआ होता है और बाकी सारी चीज़ें भी ऑलमोस्ट तो पकी हुई है ना। तो बस जी, ये इसका इतना ही काम है। इसके अलावा ये बहुत झटपट बन जाने वाली, अगर आपने प्री हीट किया हुआ है और आपके पास मटेरियल ऑलरेडी बने पड़े हैं तो फिर आपकी ये रेसिपी झटपट तैयार हो जाने वाली क्विक एंड ईजी रेसिपी।
आप स्नैक्स के तौर पे भी इसको ले सकते हैं, मेहमान आए तो आप उसमें भी अपने टी टाइम में भी ले सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको ये डिश अच्छी लगी होगी, और अगर लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा, और कोई डिश वगैरह आपको सीखनी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स हाजिर है, ज़रूर पूछिएगा। मैं ज़रूर इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी जल्द आपके लिए लेके आऊँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।